हेलो नमस्ते जय माता दी कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी नहीं हूँ मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है जो चक्कर था ना वो अभी जा नहीं रहा है बहुत ज़्यादा अभी भी अभी मैं काम कर रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ़ है लेकिन क्या करें घर का जो काम है वो तो हम सबको करना ही पड़ता है ना तो बस वही कर रही हूँ और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं उन सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ये चावल है तो इसको मैं फटक करके रख रही हूँ इस डब्बे में और बाबू यहीं पे सैतानियाँ कर रहा है देखिए कैसे ये ना मुझे बार बार तंग कर रहा है ऐसे ही और बच्चा इसको उतनी समझ तो है नहीं इसको ना मज़ा आ रहा है अभी चावल अपने ऊपर पूरा डाल रहा है और यहाँ पे आसपास पूरा फैला रहा है तो और मैंने सोचा ये सारे फटक करके रख लेती हूँ क्योंकि जब खाना बनाना होता है तो फिर रोज़ रोज़ वही चीज़ करना तो जब रोज़ रोज वही करना होता है तो इससे अच्छा है, एक दिन ही साफ़ करके रख लो और सुबह के टाइम सबको पता है सारी मम्मी लोगों को पता है कि सुबह के टाइम हम सबको कितना काम होता है ना एकदम से दिमाग पागल हो जाता है घूम जाता है मतलब दिमाग दर पे नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं कौन सा काम करें और जिसके पास और मेरे पास तो चार चार बच्चे हैं इन सबको संभालते हुए स्कूल जाने के लिए तैयार करना सबसे पहले ट्यूशन जाने के लिए तैयार करना ठंडी का टाइम है तो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है तो इसीलिए <स्थाँगा> तो बाबू को मैं ना मना कर रही थी कि मत काम बिगाड़ो मत काम बिगाड़ो बार बार मेरा <स्थाँगा> मेरी तबीयत ठीक नहीं जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो होता है ना थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है तो उसी में ना मुझे गुस्सा भी आ रहा था लेकिन मैं क्या करूँ गुस्से इससे को डांटती भी थी गुस्से में लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आता हालांकि जब मैं जा कभी कभी माह लोग को डांटती हूँ ना गुस्से में कि ये लोग थोड़ा डर जाए तो ये ना समझ जाता है फिर चुप हो जाएगा और रोने लग जाएगा कि मम्मी ने तेज आवाज़ में डांट दिया और शायद मम्मी गुस्सा हो गई मतलब इसको समझ में आ जाता है जब मैं जोर से थोड़ा सा डांट देती तो चुप हो जाता थोड़ी देर के लिए और ट्राई करने लगता है बार बार फिर बार बार हाथ चावल में ले जाता चावल नहीं उठाता है बार बार चावल में हाथ ले जाएगा चावल उठाएगा नहीं मतलब ट्राई करेगा कि मम्मी मुझसे बोल रही है कि नहीं बोल रही है जब भी मैं किसी चीज़ के लिए इसको डांटूंगी ना तो ये ऐसा ही करता है जब पहले काम बिगाड़ेगा जब थोड़ा सा डांट दूँगी ना तो रुक जाएगा और रुकने के बाद फिर ट्राई करना शुरू कर देगा ट्राई करेगा कि मम्मी बोल रही है कि नहीं बोल रही है जब मैं हंस दूँगी तो फिर से वही काम बिगाड़ना शुरू कर देगा ये तो अभी ये सीढ़ियों की तरफ गया है बार बार सीढ़ियों की तरफ ये भाग भाग जाता है क्योंकि सबको उधर से ये आते जाते देखता है ना तो इसको भी लगता है कि मैं भी उधर जाऊँ तो मैं ना बार बार ये छोड़ छोड़ के उधर जा रही थी फिर ये भाग रहा था फिर छोड़ के उधर जा रही थी फिर बार बार ये कहीं चावल खाता कहीं ये फैलाता तो मैं परेशान हो गई थी मैंने कहा किसी तरीके से जल्दी से कि इसको फटक के रख देती हूँ और ये जो बदमाश है ना मेरा काम बिगाड़ देता है झाँक झाँक के चारों तरफ वैसे ही मुझे पागल कर देता है ये पकड़ते पकड़ते तो इसको फिर देखिए अभी फिर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है मुझे ना बार बार उठने में और जल्दी जल्दी चलने में इतना ज़्यादा चक्कर आता है कि मैं बता नहीं सकती आप सभी को तो आप लोग सोच रहे थे कि मैं क्या कर रही थी अभी तो मैं ठीक ठाक थी चावल फटक रही थी और अभी रोने क्यों लग गई थी तो मैंने ना चावल फटक रही थी बाबू बार बार मुझे तंग कर रहा था मैंने गुस्से में मुझे एक थप्पड़ मार दिया <laughs> और मार के ना खुद में रोने लग गई मैंने कहा बदमाश आज के बाद गलती करेगा कि नहीं करेगा गलती करेगा कि नहीं करेगा ऐसे लेकिन उसको कहाँ समझ है जानती है ना आप सभी को हम माँ लोग कैसे होते हैं बच्चों को डांटते भी हैं अगर गलती से मार भी देते हैं तो फिर हम लोग तुरंत ही पछताने लग जाते हैं और मैं ना मेरी यादत अगर मैं बच्चों से कभी मतलब चिल्ला देती हूँ या फिर गलती से डराने के लिए उन्हें थोड़ा सा ही मार देती ना फिर मैं रोने लग जाती इन सबको मार करके तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ अभी तो बाबू को ना मैं ये लोग थी नहीं सुबह सुबह का समय था समय था और बच्चे चले गए थे कोचिंग तो ये ना मुझे बार बार परेशान कर रहा था तो मैंने सोचा जल्दी से फटक लेती हूँ तो फिर खाना बना लूँ तो फिर रो धो के मैं ना खाना खाने लगी थी <laughs> खाना खाने बैठ गई थी क्योंकि मैं खाना नहीं खाई थी बाबू तंग कर रहा तो पहले चावल फटकी फिर उसको मार दी फिर खाना बनाई फिर खाना बना करके पहले रोई उसको सुलाई फिर रोई फिर, फिर जाके खाना खाई <laughs> ऐसा होता है मेरा हाल पहले मैं बच्चों को मार देती हूँ और फिर रोने लग जाती हूँ वैसे मैं जल्दी से बच्चों को मेरी बेटियाँ समझदार हैं डांट देती हूँ समझ जाती हैं और uh, अभी ये छोटा है ना बाबू तो थोड़ा सा तंग तो करता है लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है ऐसे सब कुछ कुछ भी नहीं अच्छा लगता है जब तो जी भारी भारी सा रहता है ऐसा लगता है एकांत में कहीं सोने की जगह मिल जाए और सो जाऊं और ये चार बना के ना मैं बाबा को भिजवा रही हूँ जो बाबा कलर कर रहे हैं तो ये देखिए दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ नीचे और नीम के पेड़ के नीचे बैठी हूँ ये देखिए जहाँ मैं हमेशा गर्मी में आप सभी से बैठ के बातें किया करती थी अभी तो छत पे ज़्यादा रहती हूँ नीचे बहुत कम आ पाती हूँ क्योंकि तो नीचे कोई काम ही नहीं है आ, सारा काम जो है वो छत पे ही रहता है इसीलिए जी देखिए कैसे है तो ये सूट वाले भैया है जो ऊनी सूट लिए हैं ये देखिए यही कह रहे लेंगे क्या दिखा दिखाओ भाई दिखा तो मैं ना आ गई थी बाहर थोड़ी देर के लिए घर से निकल के बाहर आई थी तो अच्छा लगता है ना थोड़ा सा बाहर बैठना और खुली हवा और सबको मतलब चारों तरफ देखना चारों तरफ का वातावरण देखना तो अच्छा लगता है इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई थी और ये सूट वाले भैया आ गए थे इन्होंने कहा था दीदी सूट लेना है का तो यहाँ पे हमारे मोहल्ले में है एक जन उन्होंने बोला था भाभी आ, विंटर सूट वाला आएगा तो बताना तो मैंने कहा ठीक है बताऊँगी तो बस बैठे बैठे ये आ गए और इनके पास ना ज़्यादा नहीं थे बस पाँच पाँच सूट से थे पाँच कलर के तो वही मैं देख रही थी कि कैसा है कैसा नहीं इसको देखिए बदमाश को मेरे <laughs> उनके कपड़े ना बार बार मिट्टी में फेंक दे रहा था तो बोल रहे थे भैया मिट्टी में मत खेलो भाभी आपके बच्चे मिट्टी में इतना क्यों खेलते हैं <laughs> मैंने कहा <laughs> मिट्टी के ही बच्चे हैं तो मिट्टी में ही खेलेंगे ये अभी क्या खा रहा है दिखा दो चुरी खा रहा है अभी ये देखिए चुरी चुरी, 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 चुरी।, चुरी चुरी खिला दो सबको खिला दो अच्छा मम्मा खिला दो आ आ ये देखिए बस 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 आंगली मम्मी दाद काटली देखा ना आप लोगों ने मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है अभी बहुत प्यार करता है तो अभी जो कपड़ा वाले भैया आए थे ना जबरदस्ती बोल रहे थे ले लो दीदी ले लो दीदी ले लो तो यहाँ मोहल्ले में एक जन थी उन्होंने कहा था भाभी सूट वाले आएंगे ना गर्म सूट वाले तो बताना तो लेंगे तो वही मैंने सोचा कि शायद वो ले मुझसे कह रही थी तो उनके पास उनको तो मैंने भेजा बच्चों को क्यों लेंगी क्या उसे अच्छा सूट था और परते में दे रहे थे ठंडी वाला सूट था और अच्छा था सिलाने के लिए उसे सिलाना पड़ता अपने से तो वो ना कहीं जा रही थी तो उन्होंने कहा अभी हम कहीं जा रहे नहीं लेंगे तो मैंने उनसे कहा जाइए नहीं लेंगी तो ज़बरदस्ती वो सूट वाले भैया ना मेरे पीछे पड़ गए थे हाँ नहीं ले लो दीदी ले लो दीदी मैंने कहा मैं भी ले लेती एक अभी मेरे पास पैसे नहीं है भैया नहीं लूँगी नहीं तो एक ले लेती तो उन्होंने कहा ले लो दीदी ले लो दीदी ज़बरदस्ती मैंने कहा भाई पैसा मेरे पास नहीं है और जो बोल रही थी लेने के लिए वो कहीं जाने वाली हैं तो हम लोग गाँव मोहल्ले में ऐसे ही होता है जब कहीं हम लोगों को कुछ लेना होता है ना तो एक दूसरे के हम एक दूसरे को ना हम लोग बोल के रखते हैं कि ये चीज़ आएगा बिकने के लिए तो बताना हम भी लेंगे तो ऐसे ही हम लोग करते हैं एक दूसरे से कि जब कोई चीज़ आता है बिकने के लिए ना हम सब एक दूसरे को बताते हैं कि चलो आ जाओ ये चीज़ है लेना है क्या तो सब लोग ले लेते हैं अभी कल मैंने एक स्टॉल लिया है आज आप सभी को अभी दिखाऊंगी उसको तो वो स्टॉल ना मैंने यहीं पे लिया है जो बोल रही थी ना सूट लेने के लिए उन्हीं के घर के पास आ, तो हम लोगों ने वो ले रही थी तो मुझे बोली भाभी लेना है क्या दिखा रही थी दूर से तो मैंने कहा हाँ लेना तो है मुझे ठंडी वाला स्टॉल ठंडी वाला स्टॉल मुझे लेना तो है फिर गई देखी तो मुझे अच्छा लगा कपड़ा और वो भी ले रही थी तो हम दोनों ने एक एक लिया है नहीं वो नहीं ली हैं एक जन और थी वो ली हैं तो मुझे बुलाए <laughs> अच्छा माइए नमस्ते करो नमस्त तो अभी अंदर चलते हैं फिर आप सभी को वाली स्टाल दिखाती हूँ और बाबू ये है देखिए ये खेल रहा है जो कपड़ा वाले भैया थे ना वो कह रहे आपका बच्चा मिट्टी में बहुत खेलता है हम लोगों ने कहा मैंने कहा गांव के बच्चे सब मिट्टी में ही खेलते रहते हैं ना ता, ता, ता।